हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबको टॉप 25 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि रेलवे ग्रुप डी के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप लोग चाहें तो सारे वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और आज मैं 12वां प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को एक से दो बार तीन बार जरूर देखें, क्योंकि अगर दो तीन बार आप देख लेते हैं एक वीडियो को तो आपका आसानी से वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो पहला क्वेश्चन या वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि क्या है ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ, इनमें से कौन है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो कि ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ सही आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज की श्रेणी का पदार्थ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस क्रिया से होती है। तो मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है। तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ऑप्शन बी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन के में बदलने से, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से, ऑप्शन डी है मुख गुहा से में लार के श्रवण से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, जो कि यह एक प्रक्रिया है जो मानव के शरीर में जल की प्राप्ति के करने का अतिरिक्त, पानी पीने के अतिरिक्त एक प्रक्रिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त छिड़ता का रोग होता है। ऑप्शन ए है विटामिन B12, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है फोलिक अम्ल समूह और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ केराटिन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, ऑप्शन ए है त्वचा, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिक और ऑप्शन नंबर डी है यकृत। तो यकृत में केराटिन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो, प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं। तो प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं, ऑप्शन इसका देख लेते हैं, ऑप्शन ए है पेप्टाइड, ऑप्शन बी है इस्टर, ऑप्शन सी है डिस्टर और ऑप्शन डी है ग्लाइकोसिडिक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेप्टाइड। प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को पेप्टाइड कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या मिलते हैं। तो सब्जियों से हमें क्या मिलते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है शर्कराएं, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है वसाएं। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ आप लोग लाइक करते चलिए और वीडियो में कमेंट भी कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको। और इसके बाद जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है। तो ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टार्च का, ऑप्शन बी है सुक्रोज का, ऑप्शन सी है गैलेक्टोज का, ऑप्शन डी है ग्लूकोज का। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टोज की सर्वाधिक परसेंटेज मात्रा किसके दूध में होती है। तो लैक्टोज की सर्वाधिक परसेंटेज मात्रा वो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका गाय के दूध में होती है, ऑप्शन बी भैंस के दूध में, ऑप्शन सी मानव माता के दूध में, ऑप्शन डी बकरी के दूध में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक
परसेंटेज होती है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। तो यहाँ सही आंसर है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है सी विटामिन सी के कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। तो इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। तो हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ वो कौन सा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है वसा एवं विटामिन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, ऑप्शन सी है विटामिन एवं खनिज, और ऑप्शन डी है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो विटामिन एवं खनिज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन, ऑप्शन देख लेते हैं इसका, विटामिन ए होता है या विटामिन बी होता है या विटामिन सी होता है या विटामिन डी होता है। तो इसका सही आंसर जो है विटामिन ए है, जो कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने का काम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी जो है वो विटामिन डी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, नाइट्रोजन की कमी से, या ऑप्शन बी है कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन डी जो फास्फोरस की कमी से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन लेनी चाहिए। तो मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन लेनी चाहिए, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 60 ग्राम, ऑप्शन बी है 80 मिलीग्राम, ऑप्शन सी है 100 ग्राम, और ऑप्शन डी है 120 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80 मिलीग्राम, मनुष्य को प्रतिदिन 80 मिलीग्राम आयोडीन लेनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो किससे होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है वसा से होता है, या ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से, या ऑप्शन सी है प्रोटीन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। ध्यान दें, यहाँ एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है फेफड़ा, या ऑप्शन सी वृक्क प्रभावित होता है, या ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यकृत प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा यकृत प्रभावित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोमाइसेटिन है क्या है ये क्लोरोमाइसेटिन। तो इसका ऑप्शन है पूर्तिरोधी है, या प्रति औषधक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी पीड़ाहारी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रति जीवाणु है। तो क्लोरोमाइसिटिन जो है वो प्रति जीवाणु है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, और ऑप्शन नंबर डी है माल्टोज। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रक्टोज, जो कि सबसे मीठी शर्करा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा विटामिन से होने वाले कमी विटामिन की कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन ए है कैल्सिफेरॉल, तो कैल्सिफेरॉल जो है अस्थि रुग्णता से, ये सही है, ये सुमेलित करता है, इससे होने वाला रोग अस्थि रुग्णता है। और अगला है नियासिन विटामिन से, पेलाग्रा चर्मदा होता है, तो ये भी सही है। इसके बाद कोबाल एमिन ऑप्शन नंबर सी है, ये संघातिक रक्ताल्पता, ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है ये राइबोसोम
जो कि इस राइबोसोम की कमी से बेरी बेरी रोग नहीं होता है, बेरी बेरी रोग होता है वो स्कर्वी की कमी से होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्का केराटिन एक प्रकार का है जो उपस्थित रहता है। तो अल्का केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, कहाँ उपस्थित रहता है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है चर्म में, या फिर ऑप्शन बी ऊन में, या फिर ऑप्शन सी जो है रक्त में उपस्थित होता है, या ऑप्शन नंबर डी अंडों में। तो अल्का केराटिन एक प्रोटीन है जो कि चर्म में, मतलब कि मनुष्य के चमड़े में ये उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन है विटामिन B6, ऑप्शन बी है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B1 और ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेंडल ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन डी है कोरेंस ने। तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी लैंडस्टीनर ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लोहा है, ऑप्शन बी विटामिन है, या फिर ऑप्शन सी खनिज लवण है, या ऑप्शन नंबर डी जटिल प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका उत्तर, जटिल प्रोटीन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है। तो रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, ऑप्शन बी है 25 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, और ऑप्शन सी है 30 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, ऑप्शन डी है 5 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो ऑप्शन नंबर ए 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है, मतलब 100 मिलीलीटर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतः शरीर के किन अंगों में होता है। तो लाल रंग कोशिकाओं का अध्ययन शरीर विघटन मुख्यतः शरीर के किन अंगों में होता है। तो ये ऑप्शन इसका है, ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है प्लीहा में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में, और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन होता है। और इस तरह से टॉप 25 क्वेश्चंस आज के पूरे हुए। और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा नए टॉप 25 क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को ये देख रहे हैं, वो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल का आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि उससे आपको ये फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाएगा। धन्यवाद।